अरे कोई है, अरे कोई है, रेड़ी वाले। ये देखो तुम्हारे लिए अपना केला, अपना सेब, अपने अंगूर, इसमें आलू बुखारा, इसमें जो है, और बताऊँ आपको क्या क्या है जी? बाहर के खजूर भी हैं, खाते मुंड बन जाता है। आप मेरे लिए इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? अरे आप हमारी मेहमान हैं, आपके जगह बनानी है। जगह बनानी है? हाँ। कैसी जगह बनानी है? बना लेंगे, ये पकड़िए, अब आप इसको रखिए, तो फिर अब आप लस्सी तो हमें जरूर पिलाएंगे। लस्सी? हाँ। नहीं, लस्सी ना मैं पीती हूँ और ना ही मैं पिलाती हूँ। तो चाय पिलाएंगे? हाँ, चाय तो पिला सकती हूँ, मगर नाश्ता भी कराएंगे। इतना सामान जो लेकर आए हो? अरे सामान चाहे तो परवाह मत करो सामान की, अभी तो हम इससे और चौगना लेके आएंगे। आप अभी तो हम हल्का सामान लाए आपके लिए, फिर तो बड़ा भारी भारी सामान लाएंगे आपके लिए। भारी सामान? हाँ, देखिए पपीते, तरबूज, खरबूज जी, और फिर उससे भी भारी लाएंगे काजू, बादाम, ये तो मुनक्के, और तो और किशमिश। किशमिश? हाँ। वो तो फिर आप हमें करेंगे मिस मिस। आप करेंगे मिस मिस? आप करेंगे क्या मिस मिस? मतलब मिस मिस आपको चाय पीनी है ना? हाँ, एक कप चाय पिलाती है। हाँ, एक कप नहीं, ये नहीं, नाश्ता भी करेंगे, कराएंगे। रेडी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय के साथ वाय भी लेके आना। मतलब नाश्ता सब भी नहीं है, आप चाय पी लीजिए। लाइए, चलिए चाय, आपकी तो चाय भी नाश्ते से कम नहीं है। क्या बात है भाई, अब तो लग रहा है बात बन जाएगी हमारी। ये लगता है ये तो प्रेमी पंखे वाले का पंखा है। ओहो, बड़ा खतरनाक पंखा है ये तो। ओहो, ये जो प्रेमी पंखे वाले का पंखा है ये? हाँ। और ये पंखा नहीं है, ये तो जादू है। जादू? जादू? हाँ। कैसा जादू? इसे चला के सोई तो नहीं तुम? हाँ, दो बार सोई हूँ। पता है ये पंखे की खासियत क्या है? कपड़े उतार के सोना पड़ता है, अपने आप चल जाता है। कपड़े उतार के सोना पड़ता और अपने आप चल जाता। हाँ? अरे ये तो, अरे इसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा? हाँ। इसमें? हाँ। अरे बहुत आरामी है ये कैमरा? इसमें तो कैमरा लग रहा है, हम दोनों ने इससे तो फिल्में देखी है। क्या? हाँ। इससे पहले जो दो लड़कियां आई उन्हें भी यही पंखा दिया उन्हें। अब समझ में आया। हाँ। उसने इसीलिए मुझसे कहा कि कपड़े उतार कर सोना, जिससे कि इसमें वीडियो बन सके। आ गई समझ में तुम्हारे? बस जब तो मैं कह रहा था मुझसे नंबर मिला कर रखा है इसमें है? जब मैं कपड़े उतार के सोऊंगी तभी ये चलेगा और वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। कपड़े उतारते ही चलने लगता है। प्रेमी पंखे वालों को तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं से। अरे पेल देना, ले आकर पेल देना, अभी मेरे पास है। लेकर नहीं गया, जो इसमें कैमरा है ना वो तो मैं अपने पास ही रखूंगी। और हाँ, तुम भी जाओ यहाँ से। हैं? हम कैसे चले जाएंगे, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे साथ? हैं? ये छड़ी है ना? नहीं, हमारी साथ भेज दूंगी। निकलो यहाँ से। हमारी खजूरों में, हमारे फलों में कैमरे नहीं लगे हुए। हाँ, जाते हो या नहीं? तो इस जगह के सबसे ज्यादा शरीफ आदमी है। आप जाते हो या नहीं? नहीं, नहीं, तुम्हारे मुंह पे मार दूं। नहीं नहीं, चले तो हम जाएंगे, मगर ये बताइए आप हमसे प्रेम करने लगी है? नहीं। क्या? हाँ। बुढ़े अंकल, निकलो यहाँ से। बुढ़े? हम बुढ़े नहीं है। हाँ? अरे रेडी माल। अरे और सुना भाई, कहाँ से आ रहे हो? पंखे वाले। बढ़िया बढ़िया, कहाँ से आ रहे हो? हम तो नाश्ता और खाना मार के आ रहे हैं। वाह, चकाचक होके आ रहे हैं। नाश्ता और खाना चल रहा है। और तू कहाँ जा रहा है? रेडी माल, मैं भी। अब तुम करके आ रहे हो नाश्ता और खाना, और हम करने जा रहे हैं, बस इतना समझ लो। बस ये समझ लो, नाश्ता खाना तुम जरा सही से समझ लेना, कर्रा करके खिलाया जाएगा तुम्हें। हाँ। क्यों खिलाया जाएगा? बस बता देंगे। अब तो तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों? वो क्यों? वो ऐसे कि तुम्हें पता है मैं कौन सा वाला पंखा दे के आया था उनको? बता।
वही पंखा जो मेरे पास, मेरा पर्सनल पंखा जो है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। अब तो ना तो खाने की जरूरत ना पीने की, दोनों मिलके देखेंगे, बढ़िया मस्त मजा आ जाएगा। देख भाई, हम तो शरीफ आदमी हो गए, हम ना देखेंगे। अब शरीफ, अपने आप को शरीफ बता रहे हो रेडीमल? हम तो बहुत शरीफ है, खानदानी शरीफ है। अब से पहले जो पंखे मैंने औरों के घर में लगाए थे, वहाँ की तो सारी सारी वीडियोस देखी थी तुमने? ना हमने ना देखी। झूठ बोल रहे हो? ना हम तो मुकर गए। देखो मुकरो मत अपनी बात से, और अगर तुम अगर मुकर भी रहे हो तो इसका भी इलाज है हमारे पास। हैं? सबूत है हमारे पास तुम्हारा कि तुमने हमारे साथ तुमने तो हमारी मूछें खड़ी कर दी। वो तो खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेंगी। देख भाई, हम सुन भाई, हम नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, देखने पड़ेगा। और देखो अब तो और नजाकत से देखेंगे, बढ़िया भी पंखा रोज रोज जाया करेगा, रोज रोज पंखे में सीन आया करेगा। देख भाई प्रेमी पंखे वाले, हमसे तो एक गलती हो गई है। गलती? हाँ। कैसी गलती? गलती बस हमने, हम तो देख भाई, मैं बताइए कि इसके पंखे में कैमरा लगा हुआ है। बताया है? बताइए है? हाँ। रेडी मोल, अब तो हो गई से हो गई। और देख, हम तो अब शरीफ बन चुके हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तूने क्या कर दिया? कैसी बातें कर रहा है तू? तू भी गया बेटे। मैं कैसे? तू भी गया। कैसे? तू ऐसे गया कि अगर पुलिस की छाप पड़ी और पुलिस ने पकड़ा और उस पंखे में से कैमरा निकाला, उस पंखे के कैमरे में तुम्हारी भी वीडियो कैद है। तुम भी गए बेटे। अबे ये क्या करा तूने? यही तो किया मैंने। तुम भी गए, तुम्हारी भी। प्रेमी पंखे वाले, मुझे तो बहुत हरामी। अरे तो जब मैंने तुझसे कहा था कि ये बात गुप्त रहनी चाहिए तेरे और मेरे बीच में, तूने पूरे डंका बजवा दिया। मैं अपनी असल में लाइन क्लियर करने के चक्कर में बता दिया। लाइन क्लियर नहीं, अब तुम्हारी पूरा रोड क्लियर हो जाएगा जब तुम अंदर जाओगे। सलाखों के पीछे जूते पड़ेंगे तुम में। तस्तन लो, गिन गिन के पड़ेंगे तुम में। मैं अगर बचना चाहते हो पंखे वाले, तुम्हारी हरकत, तुम्हारा पंखा, तुम्हारी मोहर, तुम ठुकोगे कर्रे करके। अरे जब अगर मोहर मेरे लगेगी तो तुम क्या बच जाओगे? तुम मैं भी लठ पड़ेंगे तबा के। नहीं, क्योंकि वीडियो तुम्हारी भी कैद है उसमें। नहीं, तुम क्या समझ रहे हो? पंखा तेरा, वो घर तेरा, वो कैमरा तेरा, हम तो ऐसे ही देखने आए, बता देंगे हम पे ना पड़ेंगे। अब तू इतना अच्छा खुश हो रहा है, तेरी भी वीडियो, ये मत बोल, ये मत बोल। मेरी भी वीडियो? मेरी? मेरी कैसे हो गई? कैसे? जो जितनी भी वीडियो हम साथ साथ देखते थे, आधे से ज्यादा उसमें भी पड़ी हुई है। हाँ, अच्छा। क्योंकि वही एक कैमरा था, उसी को लगा लगा के मैं भेज दिया करता था। और तो और तेरी एक और वीडियो है, छम्मो वाली। छम्मो वाली? हाँ, जो तुम पंखा उठा के बिना बिजली के घर की। थोड़ी सी कहानी और बता दूं मैं। जब तुम मेरा पंखा लेके गए थे, लाइट नहीं आ रही थी छम्मो के घर में, और तुम कह रहे थे कि मुझे जो गर्मी लग रही है, तू तो गया बेटे, तू गया। वो भी है? हैं? और वो क्या? वो भी वीडियो कह दे उसमें। मरवा के मानेगा। लेकिन हाँ, प्रेमी पंखे वाले, तू बहुत हरामी है। बचवा सकता हूँ? हाँ बचा। अगर मेरी बात मान लो तो? हाँ, मान लूंगा। अब बोलना मत कुछ, मेरी बात सुनते जाओ। हमें हाँ मिलाते आना। ठीक है ठीक है। देखो बात ये है कि देखो, मैं तो जाने से रहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने वहां मेरी इस तरीके से बेकदरी कर दी है, क्योंकि मैं शकल दिखाने लायक नहीं हूं वहां पे। ठीक है, अब तुम्हें जाना है, तुम्हें जाकर के वो पंखा किसी भी तरीके से चोरी करके लेके आना है। मैं? हाँ, और अगर नहीं लाए तो देखो मैं तो फंसूंगा ही, मुझे कुछ चिंता नहीं अपनी, लेकिन साथ में तुम जरूर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वैसे भी इज्जत है, और फिर और बेकदरी हो जाएगी, तो फिर इसमें फायदा क्या? मैं तो तुझे पता है कि 2-3 बार जेल जा चुका हूँ, और तू एक भी बार नहीं गया। और अगर अब की बार पहली बार तू जेल गया, वो भी इस तरीके के उसमें जुर्म में, तो तेरे पिछवाड़े पर लाज बेटे वो विवाह पड़ेगी। देख प्रेमी पंखे वाले, अब मत, अब बस सुन, मैंने तेरी बात मान ली। ठीक है, मैं उसे पंखे को चुपचाप जाऊंगा, बातें मिलाऊंगा, और नाश्ता करके चुपचाप बगल में दबा के ले आऊंगा। तो खड़े खड़े चाय बनाने जाएंगे। तो खड़े खड़े इंतजार क्या कर रहे हो? जल्दी भगो यहां से। ठीक है, तो चलो अब जाओ ना। जा रहा हूं। यस, और अब ये पंखा ले आएगा, जिससे पहले कि इसने ये सब कुछ बताया, उससे पहले मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और अगर पकड़ा भी जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा, मुझे थोड़ी पकड़ रहा है कोई। अरे लल्ली सीमा, अरे कोई परेशानी तो ना? नहीं, आपने क्या बोला मुझे?
लल्ली सीमा। जरा बेटा अरब बोल दीजिए। सीमा बेटा क्या करें, जरा थोड़ी लड़खड़ाहट सी आ रही है। ये पंखे की तरह जीप क्यों लड़खड़ा रही है? अरे बेटी मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीज चाहिए था ना? नहीं कुछ नहीं चाहिए। केले बिल्कुल, मक्खन नहीं, डबल रोटी नहीं, अंडे ब्रेड पापड़े मक्खन जो चाहिए बोलो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। अच्छा तो देखो एक काम करो तुम। क्या? वो तो बात वो दिन मैं जो पंखे की बात कर रहा था ना, कैमरा लग रहा है कहीं हो रहा है कहीं हो रहा है। हाँ? वो तो सब मैं मजाक कर रहा था तुमसे। मजाक? हाँ। वो भी अपनी बेटी से? हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो भी हाँ? ऐसा मजाक कि इसमें कैमरा है वीडियो बनी है। तुम कहते हो वो असल में वो जो है ना प्रेमी पंखे वाला। हाँ? वो बहुत हरामी है, वो मुझे छेड़ता बहुत है। अच्छा, उसे बदला लेने के लिए जिस गेल से निकल जाऊं मैं नहीं, मैं कहीं गेल लेगा मुझे। और बस फिर क्या है, फिर तो शुरू हो जाता है वो। और जब एक बार शुरू हो जाता है ना तो फिर रुकता नहीं है और सारी ऐसी बातें करेगा जो मेरे कलेजे पर तीर घुस जाता है, छुरियां चल जाती है। वो बात ठीक है। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ वो पंखा तो है बेकार, वो पंखा तो मुझे दे दो। आपको दे दो? उसके मुंह पर मारूंगा जाके। लेकिन आपको क्यों दे दूं, वो तो पंखा आपका है भी नहीं। नहीं वो मेरा तो नहीं है, मगर कम मखद से कम तू ऐसे ऐसे खराब पंखे भेजता है ना जो चल के नहीं देता है और चलता भी बेकार है, हवा नहीं देता है। हाँ देता है। अरे बिल्कुल नहीं देता वो, तुम्हें महसूस होती होगी। नहीं नहीं चलता है ना, ना, ना। अभी आप अपने कपड़े उतारो, देखो पंखा चलता है कि नहीं। छी छी छी, फिर तो बहुत ही गंदा है, निष्ठ उसे मुझे दे दो। निष्ठ गंदा है, चलाने लायक नहीं है। अब नापा है वो। हाँ कम मखत है वो पंखा। अंकल जी एक काम करिए, आप जाइए जो प्रेमी पंखे वाले है ना वो हमारे चाचा जी है, अब पंखा वही ले जाएंगे। ना 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 वो ना ले जाएगा, वो तो अब इधर झाँकेगा भी नहीं। क्यों नहीं झाँकेगा? वो तो शहर है, वो ना आएगा। हाँ वो ना आएगा तो नहीं आएंगे तो उनका पंखा उनको दूंगी। ना 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 तो मुझे दे दो, मैं उसके मुंह पे मारूंगा, उसका मुंह टेढ़ा कर दूंगा। जब वो यहाँ फिर जब मुंह टेढ़ा हो जाएगा ना फिर वो मुझे छेड़ना छोड़ देगा। अंकल जी जब वो यहाँ है ही नहीं तो मुंह पे कहाँ से मारोगे? नहीं नहीं आ जाएगा। आएगा नहीं तो आएगा। जब आ जाए ना तब मेरे पास भेज देना, मैं खुद दे दूंगी। तुम मुझे दे दो, मुझे ही दे दो, मैं चाह रहा हूँ तुम मुझे दे दो, मैं उसके मुंह पे मारूंगा आते ही। मुंह पे पंखा जैसे घुसेगा गांव के अंदर जब ही मारूंगा देखे। जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं पंखा दे देती हूँ। तो दे दो, देर काय कर रही, जल्दी उठा दो। ऐसे नहीं मिलेगा, जल्दी से उठा दो। ऐसे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? 10,000 में मिलेगा। 10,000? हाँ 10,000। हाँ 10 रुपए के पंखे के 10,000? हाँ देख लो। अरे ये तो 10 पैसे का भी नहीं है। अब आप इतनी जिद कर रहे थे तब मैंने बोला, नहीं तो मैं तो दे ही नहीं रही थी। अगर चाहिए 10,000 दे दो, पंखा ले जाओ। 10,000 कम कर लो। नहीं 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं? बिल्कुल नहीं। देख लो। नहीं कुछ नहीं देखना। पक्का? हाँ पक्का। मतलब 10 से कम नहीं लोगी? बिल्कुल नहीं। ज्यादा मुंह मत लगो, पंखा लेना है 10,000 लेके आओ और पंखा ले जाओ, ठीक है? पंखा तो यही रखा था है? कह कहा पंखा? भाई पंखा नहीं दिख रहा, अब पंखा नहीं दिख रहा भाई, पंखा तो। रेडी मल जी ये क्यों आए हैं? वो असल में मैं इसलिए आया था कि 100-100 के लाऊं या 500-500 के। क्यों बाहर क्यों नहीं पूछा, अंदर आने की क्या जरूरत थी? नहीं मैं लौट के आया था। और यहाँ क्या देख रहे थे अभी? वो कुछ नहीं, मैं तो ये कह मतलब मैंने कहा पैसों की बात कर लूं, कौन सी चाहिए, मोटी गड्डी चाहिए या पतली गड्डी चाहिए? नहीं पतली नहीं, मोटी गड्डी। मोटी गड्डी तो 500 की कहाँ होगी, वो तो पतली हो जाएगी। 100-100 किलो की तो मोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 500 का लोट मोटा होता है, अच्छा गिनने में आसानी हो जाएगी। जाओ अब। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अरे नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, जाओ पैसे लेकर आओ। ओ प्रेमी पंखे बाहर आ जा। कौन? अबे तू? हाँ हाँ बता, पंखा ले आया? पंखा
अरे पंखा सुन तो सही, इधर उधर मत झांके, अगाड़ और पिछवाड़े में मत झांके, आगे आगे झांक। हाँ तो सीधा सीधा बोलना बेटा, लग गया तू तो लंबा। अच्छा यहाँ मत बता कोई बात, समझा कर यहाँ किसी ने सुन लिया तो और भंडा फूट जाएगा। चल चल अंदर आ। अरे अब बता क्या हुआ, हुआ क्या? बस पूछे मत, तुझे मालूम है क्या हुआ? हुआ क्या, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ मैं तुझे, सुन। हाँ बता। तेरे कान खड़े हो जाएंगे सुनते ही। कान खड़ा हो जाए, कुछ भी खड़ा हो तू बता बस। अब देख मैं गया पंखा, मैंने कहा ला ले लूँ इससे। अरे बुतेरी बातें मिलाई, मगर सब पे उनने पानी फेर दिया। एंड में जानता है क्या कह रही है? क्या कह रही है? 10,000 रुपये लूंगी जब दूंगी पंखा। 10,000 रुपये लूंगी जब दूंगी पंखा। हाँ इसका मतलब वो पंखा तभी देगी जब 10,000 रुपये लेगी। हाँ लगता है चालू तो नहीं है। चालू नहीं बेटा, सामत तो तुम्हारी भी आ गई इसमें। नहीं 10,000 रुपये मांग रही है, चालू तो। अब 10,000 रुपये दूंगा कहाँ से मैं? दूंगा कहाँ से? हाँ आधे तू देगा आधे मैं दूंगा। ये बात हुई, यही तो गलवाना चाह रहा था तुझसे। आधे 5,000 तू देगा, 5,000 दूंगा मैं। सोच ले, मगर सुन मैं तो गलती से कह गया हूँ, पैसे सारे तुझे ही देने पड़ेंगे, मैं ना दूंगा। मैं काहे को दूंगा, मेरी तो जबान रपट गई। अगर पैसे तू नहीं देगा तो फंसेगा भी तू, पलट तो तुझे पड़ेगा। मैं तो 3-4 बार जेल जा चुका हूँ, पहली बार जाने का माहौल अपना सेट कर ले। देख तू जा चुका है ना। हाँ तो सुन ले, मैं रिश्वत दे दूंगा, मैं जाऊंगा ही ना वहां तक। नहीं ऐसा नहीं चलता, किसी लड़की की तुमने अश्लील वीडियो बना के और उसमें रिकॉर्ड किए कैमरे में, ऐसे वैसे नहीं छोड़ेगी पुलिस, समझ लेना। मुझसे क्या मतलब है बेटा, सोच लो, क्योंकि तुम्हें फंटी पड़ेगी तुम पे। चल ठीक है। क्या चल ठीक है? चल 5,000 मैं दूंगा। दोगे? हाँ मैं दे दूंगा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। 5 तू देगा, 5 मैं दूंगा। हाँ इस बात की मानी। लेकिन और देख प्रेमी पंखे वाले, हाँ बोलो बोलो, जीवन में अब ऐसा कोई काम मत करियो, नहीं तो ये समझ ले जिंदगी भर तेरी जमानत नहीं होगी। नहीं, पूरी जिंदगी काला पानी काटना पड़ेगा और फांसी भी हो सकती है। भैया काम नहीं करेंगे, इस काम को छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले उस पंखे को किसी भी तरीके से तू निकाल के ला। 5,000 आज शाम को तू मुझसे ले रही हो और शाम तक तू इंतजाम कर ले, मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूंगा रस्ते में, ठीक है? और तू लेके चला जाइयो, पंखा वापस लेके आइयो मेरा। प्रेमी पंखे वाले, आज शाम को 4 बजे तक पैसे घर पहुंचा दियो, 5,000। ठीक है ठीक है पूरे। अरे मैं तो पहुंचा दूंगा, इंतजाम तू कर, सोच अपने आप के लिए, क्योंकि फंसेगा तू बुरा, मैं नहीं बचूंगा इतना। अच्छा मैं तो जा चुका हूँ, मेरे मुझे कोई इतना, मैं तो दोबारा जेल काटाऊंगा, मुझे क्या मतलब है। लेकिन चिंता तुम अपनी करो, जा। ठीक है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा यार। तूने बहुत बुरा फंसाया है मुझे। जाओ, ऐसे चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, तू दोस्ती के लायक नहीं है। तेरे मुंह पे थूकूंगा भी नहीं, इस बार टंटा कट जाए ये बस। थूकेगा जो थूकेगा वो मालूम पड़ जाएगा कौन थूकेगा। मजे आ गए। रेडी माल, रेडी माल, मलमूत्र रेडी माल। मलमूत्र तो तू है, जो गंद खाना तूने फसाया। तुम्हारा नाम ही है? अरे मेरा नहीं है, मैं हूँ रेड़ी मल आदमी बस। तो मल का मतलब क्या? मल है बात तू। अभी फालतू बातें करने का हमारा समय नहीं है ये। ठीक है पैसा ला, पैसा ला, पैसा ये लो। पूरे 5 होने चाहिए। गिन के दिखा रहा हूँ ना, गिन के दिखाऊंगा, गिन के दिखाऊंगा ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे ठीक है ठीक है। अरे मुझसे तो मुझे यकीन है, तू यकीन है तो हरामी तू, क्योंकि देख चिंता मुझे भी है अपनी, ऐसी बात नहीं है। डर तो डर होता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो रहे हो, लेकिन और आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाइयो, नहीं बहुत बड़ा थूक मारूंगा जो मुंह पे छप जाएगा। बस आज के बाद दिखाइयो मत, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, कोई दोस्त है ना। बहुत हरामी है। लेकिन पंखा तो दे के जाइयो मुझे घर पे। हां दे जाऊंगा। अरे यार पागल है। सीमा, सीमा आप आ गए? कोई बात नहीं, आ गया ना मैं, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता लगता है। खैर उसके बाद से वो लोग यहाँ आए? हाँ वही, वो पंखा लेने आया था। दिया पंखा उसे? नहीं, मैंने उससे पैसों की डिमांड जो कर दी थी ना, इसीलिए आएगा, पैसे लेकर आएगा। इसीलिए मैंने हवलदार को यहाँ भेज दिया था, पूरा काम हो चुका है।
उसे आने दो पंखा लेने, उसे पंखा देना दो। ठीक है। उन सालों कुत्तों को तो मैं ये चीज़ सिखाऊंगा कि लड़की की इज्जत क्या होती है। फिलहाल अरे लल्ली, सीमा लल्ली। अरे अंकल जी आप आ गए? पैसे ले आए ना? हाँ पैसे ले आए, पंखा दे दे बेटा। अच्छा ठीक है, पैसे निकालो, मैं पंखा लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका पंखा, ये आपके 10,000। 10,000 सीमा कौन है? हम मेरे पति हैं। घबरा क्यों गए आप इतना? कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए आप। नहीं सर, अरे आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। ये पैसे इस पंखे के हैं। पंखे के इतने सारे पैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? तो ये पंखा तो हमारा है। वो क्या है ना, मैंने इनको बेच दिया। ये 10,000 रुपये में कबाड़ा है? 10,000 रुपये में कबाड़ा पंखा? वो क्या है ना, इसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अच्छा, इसलिए। चलिए ठीक है, आप जब इन्हें पंखा पसंद है तो मैं मना नहीं करूंगा, ले जा सकते हैं। अच्छा साहब, ले जाइए। नमस्कार साहब। बिल्कुल नमस्कार साहब। वैसे आप कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइएगा सर। सेवा क्या करते हैं वैसे आप? मैं और आपको पता है पंखा चलता कैसे? जब आप अपने कपड़े उतार के सोएंगे तब चलेगा। अरे ये क्वालिटी है इसके अंदर। अरे लाने, अरे छोड़ रेडी मल ढकेल वाले से कोई साफ काम हो तो बताइए। अरे बिल्कुल, केले सेब भेज दे करो। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक। ओके ठीक ठीक है सर, एंजॉय योरसेल्फ। ठीक बाय। ठीक जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे प्रेम जी पंखे वाले, ओ प्रेम जी पंखे वाले। अरे आ गया तू? माल आ गया, ले दे पंखा। ले आया पंखा? ले आया, ले आया। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ मेरी छड़ी जान बच गई। जान तो जान बच गई, जान बच गई। कर लो, इसमें तो कैमरा ही नहीं है। कैमरा नहीं है? अरे कैमरा कहाँ गया इसमें से? मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम भैया। ओ उसके घर पे कौन मिला था, वो अकेली थी? ना 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 ना, तो उसका पति इंस्पेक्टर आया हुआ है। इंस्पेक्टर? हाँ। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं उसे नहीं तो कैमरा नहीं है इसमें। नहीं। अगर किसी ने निकाल लिया हो, किसी का हाथ पड़ गया होगा तो हम अरे मैं क्या कह रहा है तू? मैं ये क्या कह रहा है? कह ये रहा हूँ, अगर इसमें से अगर किसी ने कैमरा निकाल लिया, अगर वो किसी के हाथ पड़ गया और उसमें से किसी ने वो वीडियो चला दी तो 10,000 रुपये भी गए, कैमरा भी गया, सब तेरी बदौलत हुआ। अब क्या होगा? सीमा जैसा जाल बिछाया था उस जाल में परफेक्टली फंस चुके हैं वो लोग। अब आखिरी काम बाकी है, चलो मेरे साथ चलो। अरे यार क्या होगा इसका? कैमरा नहीं मिलाना हमें, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो मैं करूंगा तुम दोनों की जिंदगी। सीमा पुलिस? पुलिस नहीं। नमस्कार साहब। नमस्कार गई तेल लेने। तो तेरी शकल देखकर तो मैं तभी समझ गया था किस किस्म का नीच इंसान। मुझ पर क्यों उंगली लगा रहे हो? ये कार्यक्रम आखिर प्लान किसने किया था इन दोनों में से? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं। अरे मेरे पास तो इन्होंने ही दिया था। मैंने तो मैं सीमा मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो साफ हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। सीमा अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी वीडियो आप खड़े रहना। हा? मैं तो जाऊं साहब, मेरी वीडियो बना रहा था। गोली मारूंगा मैं, जाऊं गोली मारने। कैमरा लगा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं साहब, मैं नहीं हूं। हां मैं नहीं हूं, यही है क्यों यही आता है, वीडियो बनाता है यही है। शर्म नहीं और मारो, और मारो, और मारो, मारो मारो लल्ली, मारो मारो लल्ली। हां लल्ली तू तो है बहुत नहीं है ना। मैं कहां, यही है। अब तुम दोनों की बारी, अब तुम दोनों जेल जाओगे। और सालों का तो साहब मैं नहीं हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, मैं नहीं हूँ। उस कैमरे में 3 वीडियोस और मिली है मुझे, जिसमें से एक लड़की ने आत्महत्या की आज से 4 साल पहले।
लड़कियों की वीडियो बना बना के मेरा तो पंखों का काम है साहब, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। यू आर मैं नहीं, ये जी खड़ी है, चल यहाँ से।